सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कहीं ना कहीं मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी। मैंने कुछ दिन पहले एक ऑप्शंस की वीडियो डाली थी और मैंने पूछा था कि क्या आपको ऑप्शंस की सीरीज चाहिए, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था जी सर हमें चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑप्शंस की पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक्स टू एब्सोल्युटली एडवांस्ड, और साथ में मैं आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। और अगर आप ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करते हैं ना, तो आप सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद एक बहुत बढ़िया ऑप्शंस ट्रेडर बन पाएंगे पक्का। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग ऑप्शंस के बेसिक्स कवर करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। देखिए, आई थिंक लगभग 8 महीने पहले एक जन ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने अपनी ऑप्शंस की स्टोरी बताई थी। तो उन्होंने क्या किया था कि 2 लाख की कैपिटल से, विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख, ही मेड अराउंड 22 लाख इन 3 मंथ्स। उन्होंने 2 लाख की कैपिटल से लगभग 20 से 21 लाख रुपए बनाए थे 3 महीने के अंदर, ठीक है। और उन्होंने आगे 2 मंथ में जो भी उन्होंने 20 से 21 लाख रुपए बनाए थे, वो पूरा प्रॉफिट तो मार्केट को दे ही दिया, मतलब लॉस कर दिया। जो उनकी कैपिटल थी वो भी उनकी पूरी ब्लू आउट हो गई। तो ये होता है ऑप्शंस का पावर। अगर आप सही से करेंगे तो बहुत बड़े पैसे बना सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग उसको कवर करेंगे कि कैसे आप ऑप्शंस में बड़े पैसे बना सकते हैं। और अगर आप सही से नहीं चलेंगे, केवल अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लेके ऑप्शंस की ट्रेडिंग करेंगे, तो आपकी कैपिटल ब्लू आउट हो सकती है इन अ सिंगल डे, और वी कैन से इन अ सिंगल आवर में भी आपकी कैपिटल जा सकती है। तो देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है मैं आपको आज बेसिक्स बता देता हूँ। धीरे धीरे हम लोग स्टेप वाइज, मैंने पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है कि हम लोग कैसे ऑप्शंस में मास्टरी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप ऑप्शंस को रिलेट कर पाएंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई शेयर है, फॉर एग्जांपल रिलायंस रखते हैं हम लोग। रिलायंस का शेयर है मेरे पास, जिसका प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 2400 पे रिलायंस का प्राइस ट्रेड कर रहा है। और आपको क्या पता चला, आपको कोई न्यूज़ पता चली, आपको न्यूज़ क्या पता चली कि अंबानी जी जो रिलायंस के मालिक हैं, वो अगले हफ्ते बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिससे शेयर का प्राइस आने वाले एक हफ्ते में 2400 से 3000 होने वाला है, या फिर 3500 होने वाला है। हम लोग मान के चलते हैं कि 3000 होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आने वाले हफ्ते में रिलायंस का प्राइस 2400 से 3000 होगा, बिकॉज अंबानी जी कोई बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो देखिए, आपके पास रिलायंस का शेयर तो है नहीं, तो आप मेरे पास आते हो बिकॉज मेरे पास रिलायंस का शेयर है। तो आपने बोला, देखिए सर, मुझे रिलायंस का शेयर चाहिए एक हफ्ते बाद, और जिस प्राइस पे मैं लूँगा वो रहेगा 2400। तो मैंने बोला, सर मैं आपको 2400 पे क्यों दूंगा एक हफ्ते बाद, अगर प्राइस बढ़ गया तो। तो उन्होंने बोला कि चलिए हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। तो आपके पास शेयर्स तो थे नहीं, तो आपने क्या बोला कि सर आप क्या कीजिए, मुझसे एक प्रीमियम ले लीजिए, मुझसे आप टोकन मनी ले लीजिए कि मैं आपको 20 रुपये देता हूँ, बस मुझे एक राइट दे दीजिए कि मैं एक हफ्ते बाद आके 2400 पे आपसे बाइंग कर सकूँ। तो मैंने बोला, ठीक है यार, 20 रुपये मुझे मिल रहे थे, मुझे बस राइट ही देना था, तो मैंने राइट दे दिया। और मुझे पता था कि 2400 से ऊपर जाने वाला है, यानी 2400 से थोड़ा सा नीचे जाएगा या फिर 2400 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। टोकन मनी हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग टोकन मनी रखते हैं 50 रुपीज़। तो आपने क्या किया, 50 रुपीज़ मुझे दिए प्रीमियम के तरीके से, टोकन मनी के तरीके से, कि आप एक हफ्ते बाद 2400 के प्राइस पे मुझसे रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं। अब अगर एक हफ्ते बाद रिलायंस का शेयर अगर रियलिटी में 3000 हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? आपने 50 रुपीज़ मुझे प्रीमियम दिए थे, 2400 पे आपने खरीदा और 3000 पे आपने सेल किया, तो 600 माइनस 50, आपका प्रॉफिट हो गया 550 का, ओके। वहीं पे अगर रिलायंस का प्राइस और पॉजिटिव न्यूज़ हो गई और मार्केट ने उसके शेयर और मार्केट में शेयर का प्राइस और बढ़ गया और प्राइस हो गया 5000, 2400 से आपका हो गया 5000, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 2600 रुपये एक शेयर में। और आपने प्रीमियम कितना दिया था, प्रीमियम आपने दिया था 50 रुपीज़ का, तो 2550, मतलब 2550 आपका प्रॉफिट हो गया। और अगर क्या हो गया, रिलायंस का प्राइस जो न्यूज़ आने वाली थी वो निगेटिव निकल गई, कंपनी को कुछ लॉसेज हो गए, तो 2400 से प्राइस चला या 2000, तो अगर आप बाइंग करेंगे, ठीक, तो आपका लॉस कितना होगा, 400 इधर हो गया क्योंकि 2000 पे चला आया, और 20 रुपये आपने जो प्रीमियम पे किया था। बट देखिए, यही फायदा होता है ऑप्शंस में कि आपके पास एक ऑप्शन है, चॉइस है, आप बाइंग करोगे नहीं करोगे। तो अगर ऑब्वियसली 2000 जाएगा तो सर हम लोग बाइंग क्यों करेंगे, मेरा लॉस बड़ा हो जाएगा, तो मैं बाइंग नहीं करूंगा और जो भी मैंने टोकन मनी दिया है उसको मैं सिंपली भूल जाऊंगा। तो ऑप्शंस में क्या होता है, जो आपका रिस्क होता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है, स्टिल थ्योरी के हिसाब से लिमिटेड होता है, बट ट्रेडिंग पर्पज़ में ऑब्वियसली आपके लॉस बड़े हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको उसको कंट्रोल करना है। और कहीं ना कहीं थ्योरी के हिसाब से आपके प्रॉफिट अनलिमिटेड होते हैं, आप 1000 की कैपिटल से 10000, 20000, 1 लाख भी बना सकते हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड टाइम में। अब देखिए गाइस, अगर मैं ऑप्शंस का डेफिनेशन पढ़ता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन जानना भी जरूरी है। एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच अलाउज ट्रेडर टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ए स्टॉक और इंडेक्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर दैट
ए प्रीमियम इज पेड बाई द बायर टू द सेलर। सिंपल है सर, ऑप्शन क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, जिसमें ऑप्शन बायर के पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है टू ऑप्शन सेलर, और कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास एक ऑप्शन रहता है, नॉट ऑब्लीगेशन, ऑब्लीगेशन नहीं है, केवल ऑप्शन है कि वो एक अंडरलाइंग एसेट को एक फ्यूचर स्पेसिफिक डेट पे बाइंग कर सकता है विथ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर्स ने पहले एग्रीमेंट किया है एट द टाइम ऑफ पेइंग टोकन मनी। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, तो बैंक निफ्टी का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 36,000 पे, 36,000 पे ट्रेड कर रहा है, और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी चला जाएगा 40,000, ओके 40,000, तो आपको क्या लगता है यार 36,000 से 40,000 जाएगा, तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं बैंक निफ्टी को बाई कर लेता हूँ अभी। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप बैंक निफ्टी को बाइंग करने जाएंगे तो 36,000 अगर आप लेंगे, 36,000 × 25 का मतलब क्या है, लॉट। आप कभी भी अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉट्स में बाइंग एंड सेलिंग करनी पड़ती है, तो आपने 25 क्वांटिटी ली, मिनिमम मान के चलते हम लोग एक लॉट आपने लिया, तो 25 × 36,000 आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका मार्जिन निकल के आता है 1.5 लाख के करीब, 10-15 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है ब्रोकर कितना मार्जिन आपको प्रोवाइड करता है। बट इतने पैसे मेरे पास है नहीं सर, वहीं पे यूज़ आता है आपका ऑप्शंस का, और यहीं पे लोग ऑप्शंस का यूज़ करते हैं फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब हम लोग आने वाली क्लासेस में सभी टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे, स्ट्रेटजीज भी मैं आपको बताऊंगा, किस स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज़ करना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी किस में आप बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हो, ITM, ATM, OTM, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, सभी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, कैसे आप बैंक निफ्टी में कुछ दिन बहुत बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं, 1:5, 1:8, 1:10, 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड, समझ रहे बात को आप। बट हाँ, कुछ ही दिन मिलेगा ऑब्वियसली, मैं आपको वो बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैंने आपको बेसिक्स बताए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ITM, ATM, OTM क्या होता है और कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेबल है जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। हमारा एम रहता है एटलीस्ट 2000 लाइक, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइए, डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेफिनेटली ऑप्शंस की पूरी सीरीज़ में लाने वाला हूँ तो वेट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और कहीं ना कहीं ऑप्शन सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, सो डेफिनेटली सीरीज़ को पूरा देखिएगा। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।